बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर किसकी जीत होगी? क्या कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी या फिर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी बाजी मार ले जाएंगे? ये सवाल सबके जहन में है, लेकिन इस सवाल का जवाब मिल गया है। जी हाँ, चाहे सट्टा बाजार हो या फिर ओपिनियन पोल, हर कोई यही दिखा रहा है कि इस सीट से रविंद्र सिंह भाटी की जीत होने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी भी हार नहीं मान रही है। तमाम तरह के हथकंडे दोनों ही पार्टी से अपनाए जा रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ दुष्प्रचार भी कराया जा रहा है। लेकिन इसी बीच जनता ने जवाब दे दिया है कि 26 तारीख को वो किसे वोट करने जा रहे हैं और किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं। विश्वास नहीं है तो देख लीजिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं। बीजेपी के सभी नेता 400 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन आप खुद देख लीजिए, जब बीजेपी के प्रत्याशी जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं कैलाश चौधरी जनता से वोट मांगने गए तो जनता ने क्या जवाब दिया। जनता किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है और किसे वोट देने जा रही है, इस वीडियो को देखकर आप साफ समझ जाएंगे। देखिए क्या कहा जनता ने। हार्दिक स्वागत करता हूं। इस गांव की एक विकराल समस्या है। यहाँ की जनता पानी के लिए बूंद बूंद को तरस रही है। आज दिन तक एक शताब्दी के बाद भी किसी ने गौर नहीं किया है। हमने कांग्रेस को जिताया, बीजेपी को जिताया, परंतु एक विनती और है कि जीतने के बाद जितने भी हमारे यहाँ से पधारे हैं, हमारी किसी ने एक क्षण के लिए भी सुध नहीं ली, हमारी एक बात नहीं सुनी, आज दिन तक नहीं सुनी। अगर किसी ने सुनी हो और हमारा कोई काम किया हो तो आप बता दो हमें। और तो और सन 2000 से हमें जियो के लिए मांग कर रहे हैं, आज तक हमें संतोष पर जवाब नहीं मिलता है। बड़े दुख और हैरानी की बात है। दूसरा मेरा निवेदन एक और है कि नदियों से नदियां अगर जोड़ दी होती 1962 के अंदर योजना आयोग में एक बात होती थी कि नदियों से नदियों जोड़ दो, लेकिन आज तक नहीं जोड़ी। अगर लूनी नदी को जोड़ देते तो 11 जिलों में समुद्र हो जाता, लेकिन आज हमारे नदी में क्या है, पानी की फैक्ट्रियों का पानी, मतलब हम पिए तो क्या पिए। तो आपने देखा, जनता ने साफ तौर पर यह बता दिया कि जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त ही नजर आती हैं। ये सारे प्रत्याशी जो हैं वो बरसाती मेंढक हैं। हमें ऐसे प्रत्याशी को चुनना है जो हमारे बीच रहे और हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंचाए, और शायद इसीलिए रविंद्र सिंह भाटी के जीतने की बातें कही जा रही है, चाहे सट्टा बाजार हो या फिर ओपिनियन पोल।